सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इंग्लैंड में बेहतरीन गेंदबाजी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत भी ईशांत ने बेहतरीन अंदाज में की है। ईशांत ने शुक्रवार को एडिलेड टेस्ट में दूसरा विकेट चटकाते ही कंगारू टीम के खिलाफ अर्धशतक पूरा कर लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एडिलेड टेस्ट का आज दूसरा दिन है। भारत की पहली पारी आज 250 रन पर सिमट गई। गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए पहली सफलता ईशांत शर्मा ने हासिल की। उन्होंने एक शानदार गेंद पर एरोन फिंच को क्लीन बोल्ड किया। कप्तान टिम पेन को आउट करके ईशांत ने अपना दूसरा विकेट हासिल किया। ईशांत शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट्स का अर्धशतक पूरा कर लिया है। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन ईशांत ने टिम पेन का विकेट हासिल कर ये खास उपलब्धि हासिल की। इस टेस्ट से पहले ईशांत शर्मा के नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 48 विकेट थे। इंग्लैंड की टीम के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी ऐसी टीम बन गई है जिसके खिलाफ उन्होंने 50 विकेट हासिल किए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 56 टेस्ट विकेट हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23वां टेस्ट खेल रहे ईशांत शर्मा ने 50 विकेट पूरा करके दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कॉलिस को पीछे छोड़ दिया है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।